हाँ जी, न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर न्यूक्लाई कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस। दो से छोटे न्यूक्लाई आपस में कंबाइन होकर हैवी न्यूक्लियस विद अनोमस अमाउंट ऑफ एनर्जी। वहां पे रिलीज ऑफ द एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता था, सप्लिटिंग अप ऑफ द हैवी न्यूक्लियस इन टू द टू और मोर स्मॉल न्यूक्लाई। बट हेयर फ्यूजन में क्या होता है, इट वी कैन से कंबाइनिंग ऑफ दीज टू और मोर विद हैवी न्यूक्लियस विद अनोमस अमाउंट ऑफ द एनर्जी। हेयर वी हैव टेक द टू हाइड्रोजन एटम, इट विल कंबाइन टू फॉर्म इन ड्यूटेरियम प्लस पॉलीट्रॉन। यहाँ पे बनना है, ये न्यूट्रॉन है और अनोमस अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट इज रिलीज हियर। द थिंग इज दैट यहाँ पे बोथ जो हमारे जो बोथ हाइड्रोजन एटम है हैविंग ए सेम चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये कैसे इकट्ठे होते हैं हैवी न्यूक्लियस, दैट वी डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे क्या है, दोनों पे न्यूक्लियस के पास हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल, तो रिपेल करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों का जो न्यूक्लियस का विल एक्ट, सो दैट दे विल ट्राई टू रिपेल ईच अदर फ्रॉम ईच अदर। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ब्रिंग वन न्यूक्लियस, हमें क्या करना, एक न्यूक्लियस को स्टेशनरी रखना है और दूसरे उसके पास में क्या है, वी हैव टू ब्रिंग वन न्यूक्लियस फ्रॉम इन्फिनिटी। हमें एक न्यूक्लियस को स्टेशनरी रखकर दूसरे न्यूक्लियस को इन्फिनिटी। अब इनके केस में इन्फिनिटी क्या है, लाइक दे न्यूक्लियस हैविंग पिन साइज होता है, तो इनके केस में जो हमारा 10 सेंटीमीटर है वो भी इन्फिनिटी होता है, क्लियर। तो पिन साइज में, अगर पिन साइज है किसी के न्यूक्लियस का साइज, उसमें 10 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर इट्स टू मच डिस्टेंस, सो वी कैन से वी हैव फार ऑफ डिस्टेंस। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है दैट वी कैन नॉट सी, फार ऑफ डिस्टेंस दैट इज द अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर और वी कैन से 1 सेंटीमीटर अप्रोचेस टू जीरो। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें जीरो करना है बाय डूइंग एक्सटर्नल वर्क, एक सो स्टेशनरी के दूसरे को दूर से पकड़ के लाके उसको दूसरे के नजदीक लाना, तो हमें इसी के लिए एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा टू ब्रिंग देम क्लोज इनफ। तो इनको दो ही दो इकट्ठे आएंगे, सो जैसे ये दोनों इकट्ठे आएंगे थोड़ा सा गैप होगा, उसमें क्या होगा, एक फोर्स एक्ट करेगी, दैट फोर्स इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्स। जैसे वो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करेगी, व्हाट विल हैपन, द न्यूक्लियर फोर्स करके नेचर क्या पहले, सबसे पहले नेचर है दैट दे विल अट्रैक्टिव इन नेचर, न्यूक्लियर फोर्स बिगेन टू एक्ट एंड इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो इन दोनों को अट्रैक्ट करेगी, मतलब उस, जब दोनों में न्यूक्लियर फोर्स लगी, ड्यू टू दैट दे विल अट्रैक्ट विद ईच अदर एंड आल्सो द न्यूक्लियर फोर्स विल बी ग्रेटर देन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।